बागलकोट और बीदर की बात करेंगे, पहले बागलकोट से शुरू करते हैं। आप कह रहे हैं 50-50 पॉसिबिलिटी है। जी, बागलकोट के अंदर यहाँ पे एससी और जो लंबानी हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, पर ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तो एक ये यहाँ पे ये इशू काफी ज्यादा हावी हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो एससी है वो अधिकतर यहाँ पे आईएनसी के साथ जा रहा है, तो इसलिए ये सीट की मार्जिन बड़ी कम होगी, इसलिए अभी कमेंट नहीं कर सकते। अगर मोदी फैक्टर हावी होता है तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल लेगी। अगर मोदी फैक्टर नहीं होता तो गद्दी गौडर हार जाते थे, बिल्कुल एंटी इनकमबेंसी की बात बहुत आ रही है। कहीं कांग्रेस लिंगायत के जी बिल्कुल एक, तभी मैंने कहा कि नहीं, कांग्रेस कहीं एक पंचमसाली जो लिंगायत में एक छोटा समुदाय सबसेक्ट है जो उनको टिकट दिया है कांग्रेस, क्या वो बीजेपी के तकलीफ बढ़ा रहा है? लिंगायत के वोट बांट रहे हैं इसलिए बीजेपी के तकलीफ बागलकोट में बढ़ रही है? नहीं, मैंने ये नहीं देखा कि लिंगायत वोट्स कांग्रेस किसी लिंगायत को टिकट दे रही है तो उसके कारण बट रहे हैं। लिंगायत मेजॉरिटी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, ये मैं आपको कह सकता हूं। यस, अगर बीदर की बात करें तो बीदर में भी एंटी इनकमबेंसी की बात बहुत आ रही थी। देखिए ये नेगेटिव सीट है बीजेपी के लिए और ये सीट मोस्टली भारतीय जनता पार्टी हारेगी क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट बीजेपी का बहुत वीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एंटी इनकम्बेंसी है और यहाँ पे इस तरीके की कैंडिडेट एंटी इनकम्बेंसी है कि जो बीजेपी का कोर वोट मराठा वोट है जो बेलगावी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ था, यहाँ पे वो भी टूट रहा है। तो यहाँ पे लोग कह रहे थे अरे कैंडिडेट इसको क्यों टिकट दे दिया और इस कारण ये सीट बीजेपी हारेगी। यहाँ पे मोदी फैक्टर के ऊपर वीक कैंडिडेट हावी हो रहा है। क्या कारण है मराठा वोट जो शिफ्ट हो रहा है? क्या कारण है कि मराठा वोट शिफ्ट हो रहा है बीदर में, जो बेलगाम में मराठा वोट जो बीजेपी के साथ है लेकिन बीदर में मराठा वोट कांग्रेस के तरफ शिफ्ट हो रहा है? सर, क्या उस क्षेत्र के अंदर कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी का है उससे अक्रॉस एक नाखुशी है कि कैंडिडेट के साथ पॉजिटिव पल्स नहीं है, तो यहाँ पे कैंडिडेट को हटाने का जो पल्स है वो अक्रॉस कास्ट डोमिनेट कर रहा है, तो मराठा भी यही कह रहे हैं कि भाई ठीक है पर कैंडिडेट इस कैंडिडेट को नहीं लाना है हमें। नोडे भगवंत खूबा मोदलिंदलू कूड़ा नोडे भगवंत खूबा टिकेट को सिद्धारो बाबा रामदेव यस भगवंत खूबा मोदलिंदलू पॉलिटिकल मैनेजमेंट अन्न कळेद 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ನಡುವೆ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳು ಒಡಿತಾ ಇವೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳು ಒಡೆದಾಗ ಬೇರೆ ಮತಗಳು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೋರ್ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ಕುರುಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮರಾಠ ವೋಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ವೋಟ್ ಸೈಜಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಔರಾದಂಥ ಯಾಕಂದರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮರಾಠ ಮತಗಳು ಕೂಡ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ ಎಜ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬನ್ಸಿಗಿಂತ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ವಿರುದ್ಧ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬನ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗದ್ದಿಗೌಡರಿಗೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬನ್ಸಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಮತದಾರರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೋದಿಯಿಂದ ಶಹಬಾಸ್ಗಿರಿನೂ ಪಡೆದಿದ್ರು ಆದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಖೂಬಾ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂತ ಇದ್ದಾರೆ